नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताया जाता है कि आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके चलते आपको रोगों का शिकार होना पड़ा। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद की राह पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, हम रोज इस कार्यक्रम में एक बीमारी पर बात करते हैं, विस्तार से हम आपको उसके लक्षण बताते हैं, कारण बताते हैं और फिर बताते हैं उसके आयुर्वेदिक उपचार। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो भारत में, पूरी दुनिया में बहुत जोर से फैलती जा रही है, और वो है शुगर की समस्या, जिसे हम डायबिटीज, चीनी का रोग, मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ये जो रोग होता है ये दीमक की तरह होता है। जिस प्रकार से दीमक जो है एक लकड़ी पर जब लगता है तो जब तक लकड़ी खाक नहीं हो जाती तब तक उसका साथ नहीं छोड़ती, और ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के शुगर जो है वो प्रवेश कर गया तो उसका शरीर जब तक खराब नहीं हो जाता तब तक वो शरीर को नहीं छोड़ती। लेकिन गुरुजी का कहना है कि आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि वो आपके शुगर, डायबिटीज, इस रोग को जड़ से खत्म कर सकती है। कैसे, आइए सारा ज्ञान लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी, आज हम बात करेंगे शुगर, मधुमेह के बारे में। दर्शकों को बताएं, ये जो समस्या होती है ये हमारी किस कारण से, किस क्या ऐसी गलती होती है जिसके कारण से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और इसका उपचार क्या कर सकते हैं? देखिए, शुगर उसी को होती है जो जीव का चुटकुरापन रहता है जी। ठंडा पानी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटेमा खाना, चाय, कॉफ़ी, ये शुगर को दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ाता है। क्योंकि जिस चीज़ से आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी और पाचन शक्ति काम नहीं करेगी तो पैंक्रीस इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्रीस तो इंसुलिन तभी बनाएगी जब आपका लीवर पचाएगा। अब आज हमारा जितना भी दिनचर्या है वो सारे का सारा उल्टा पड़ा। पानी पीने के लिए ठंडे से ठंडा चाहिए, आराम करने के लिए गर्मियों में, सर्दियों में एसी चाहिए, खाने पीने की चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं, और मीलों का आटा जिससे चोकर निकाल ली उसको खाते हैं, सब्जियों का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, अंदर का कचरा खाते हैं, दालों का छिलका निकाल के फेंक देते हैं जिसमें चमड़े का पॉल्स करखा, वो दालें खाते हैं, तो आपको शुगर कैसे नहीं होगी? मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, मेहनत ना करना, गद्दों पे लेटे रहना, आराम पस्ती, ये शुगर की जड़ें हैं। आज पूरे संसार के अंदर शुगर की दवाई किसी के पास नहीं है। चाहे आप इंसुलिन लें, चाहे शुगर फ्री गोलियां लें, ये सिर्फ आपको अंदर से तसल्ली देती है कि आपको आराम कर दिया, सिर्फ शरीर को सुन करती हैं, शुगर को कम नहीं करती। ये दवाई जबरदस्ती थोड़ी बहुत इंसुलिन पैंक्रीस से बनाती है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है, ना परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT scan, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। ये दवाइयाँ पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे साफ करती हैं
जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्चिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी केमिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, शुगर की दवाई आपके घर में है। शुगर के रोगी को 3 ग्राम हल्दी और 12 ग्राम शहद, शहद असली हो, कई चीनी का बना हुआ होगा तो शुगर और बढ़ेगी, हल्दी में मिला के इसको चाटे और ऊपर से 1 गिलास गाय का नवाया दूध या नवाया पानी पी लें। इसके लेने के 1 घंटे बाद यदि आप शुगर को टेस्ट करेंगे तो जिसकी 450-450 शुगर थी उसमें 15-20% की कमी मिलेगी। अभी आप दिन में 3 या 4 बार भी ले सकते हैं। अब दूसरा तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का कि 2 करेले, 2 खीरे, 2 टमाटर ले लें, पहले इनको गर्म पानी से धो लें, उसके बाद इसका जूस निकालें, 1/2 गिलास जूस निकल जाएगा। इस जूस को आप पानी भी मिला सकते हैं थोड़ा गर्म, 1 गिलास पीने में 1/2 घंटे का समय लगा दें तो इससे आपको बहुत प्रेशरदार लैटिन आएगी, बड़ा अच्छा पेट साफ होगा। इसके लेने से पहले यदि आपकी शुगर 400 थी तो पेट साफ होने के बाद आपकी 400 की 380 या 370 रह जाएगी। और ये क्रिया आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो आपने टमाटर, खीरा और करेले को जूस निकाला था, जो उसका कचरा बचा है, इसमें आप हल्दी बना के रोटी में मिला के भी खा सकते हैं, तो ये भी आपकी शुगर को दिन दोगुने रातें चौगुनी घटाएगी। और तीसरा इसका नुस्खा है कि जो करेला धोने के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे से पानी से भरे हुए चकत्ते से होते हैं, इन चकत्तों को काट करके 1 कप के अंदर डाल लें और उसमें हल्का सा सिंधा नमक, काली मिर्च मिला के आप उसका जूस पी जाए। और जो करेला है उसको पीस करके हल्दी मिला के सब्जी बना के खा सकते हैं, तो भी आपकी शुगर चाहे 400 पे चाहे 450 पे है, 1 महीने पे 90-140 रहेगी, न इससे कम होगी न इससे फालतू। परंतु नाइज जो भी आपने खाना, छिलके वाला खाना, जिसका छिलका निकाल दिया वो आटा कभी नहीं खाना, दालें छिलके वाली खानी, धुली हुई दालें कभी नहीं खानी, सब्जी नरम छिलके वाली खानी, छिलके के साथ खानी, जिस सब्जी का छिलका निकाल दिया वो नहीं खानी। और आपकी सब्जी में, दाल में, दूध में हल्दी लाजमी होनी चाहिए तो आपको शुगर से मुक्ति मिलेगी। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्र लाने पड़ते हैं, ना ही माँ बाप की, परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ACG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यह दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 15-20% राम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा उसको 35-40% में मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो थोड़े लापरवाह उसको 3 महीने, जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।
15 साल से तबीयत खराब ही मेरी, अब आने के बाद में 31 ओवर हो गई है, गुर्दे भी खराब हो गए। यूपी का रहने वाला हूँ, जिला संभल का। अब यहाँ सबसे पहले दिल्ली बत्रा में 3 दिन दिखाया, आईसीयू में रख रहा है, उसके बाद में मजिदिया में दिखाया और राम लोहिया में 16 दिन इलाज चला मेरा। 3 दिन मेरी डायलिसिस हुई, उसके 3 दफ़ा डायलिसिस हो गई मैं, उसके बाद में सबने मना कर दिया। फिर आन के एक हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, उन्होंने बताया उनके पैर ख़राब हो गए, बाबा के यहाँ उनके पैर सही हो गए। उन्होंने कि मैं एक दफ़ा बाबा जी को और दिखा दो, एक दफ़ा दिखा के देख लो, हम आ गए वहाँ को। उसके बाद में 2-3 दिन मेरे मुझे लेके कह के मैं लेटरिन में लेके जाते हर जगह आज भी, और पूरा सब सूज गया। बाबा ने फिर लेप करवाया मेरे लिए 10-15 दिन, उसके बाद में फिर बिल्कुल पेट मेरा सही हो गया, कपड़े बिल्कुल ढीले हो गए। उसके बाद में आज कहकर मैं चल फिर रहा हूँ। मैं सोहन लाल शर्मा उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे यूरिन में प्रोटीन जाने की शिकायत थी, गत 2 वर्षों से परेशान था। बहुत जगह आयुर्वेदिक दवाएं मिली, एलोपैथिक दवाएं मिली, लेकिन कोई संतोषजनक आराम नहीं पड़ा। 200 mg कम पड़ता और वापस 10-15 दिन में वापस बढ़ जाता। उसके बाद में हमने टीवी के अंदर बाबा जी का प्रोग्राम देखा, स्वस्थ विचार वाले प्रोग्राम में, तो हमारे को उनकी वार्तालाप से और उनके तरीके से विश्वास हुआ और हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनके इस गाइड के अनुसार पहले दिन रात को 10 बजे से खाना पीना छोड़ के और पानी भी नहीं पिया और यहाँ आए। सुबह आपने बाबा जी ने यहाँ नाड़ी परीक्षण किया और उस दिन मेरा यूरिन में प्रोटीन 5200 mg था। 15 दिन दवाई ली तो 15 दिन में सीधा 2800 पॉइंट कम हो गया। अगले 15 दिन में 1600 पॉइंट कम हो गया और अभी लास्ट 21 तारीख की रिपोर्ट में यूरिन में प्रोटीन 0 है। ये 24 आवर्स यूरिन की रिपोर्ट है और मैं और मेरा बीपी आश्चर्यजनक तरीके से कंट्रोल हो गया है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है और महाराज की बाबा जी की दवाओं में बहुत ही विलक्षण और सात्विक दवाएं हैं और हमारा इनके कार्य से बहुत भरोसा है। जब हमने बाबा जी से बताया कि ये आपका चमत्कार हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारा चमत्कार नहीं है, ये दवाई का चमत्कार है। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बम्बई से बात कर रही हूं। जी सवाल करें, गुरु जी सुन रहे हैं आपको। जी देखो, मैं नाड़ी वैद हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता, ना कागज पत्र देखता, ना मशीनों से टेस्ट करता, और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं जड़ी बूटियाँ 10,000 की पहचान है मुझे, जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने में किसी की बनी बनाई दवाइयों में नहीं बेचता। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहती है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर में पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी शरीर के अंदर कमी मिलेगी वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा।
जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि आपका भाई जब 5 वर्ष का था तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक था, आम बच्चों की तरह था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। गुरुजी ने भी आपको यहाँ पर यही सलाह दी है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपने भाई को यहाँ पर लेकर आएँ, जो नाड़ी परीक्षण के बाद दवाएँ दी जाएंगी नियम परहेज के साथ उनका सेवन कराएँ, और फिर देखिए जो आपके भाई की जो समस्या है वो कैसे ठीक हो जाती है, वो भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीने लगेगा। संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ चूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप घर से बाहर हैं और नहीं चाहते कि गुरुजी का कार्यक्रम मिस हो, तो आप गुरुजी का जो कार्यक्रम है स्वस्थ विचार, ये आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है संस्कृति TV। शाम 7:30 से 8:30 बजे तक आप इस कार्यक्रम को देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम के साथ जुड़े, आयुर्वेद के साथ जुड़े, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नरेंद्र सिंह जी का, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, मुझे डॉक्टर ने मोतियाबिंद बताया है और ऑपरेशन के लिए बोला है। मुझे दिन में कम दिखता है, रात में ठीक दिखता है, तो क्या कोई ऐसी दवाई हो सकती है जिससे मेरा इलाज बिना ऑपरेशन के हो जाए? देखो, अभी आपका मोतिया कच्चा है, कट जाएगा, पकने के बाद तो ऑपरेशन ही होना है। मेरे पास दवाइयाँ खाने की हैं, आँख में लगाने की हैं, आँख में डालने की हैं। यदि दवाई आप नियम से डालते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 5 से 10% आँख में परिवर्तन आ जाएगा। और ये दवाई यदि नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो 2-2.5 महीने में आपकी आँख में लाइट दिन रात एक जैसी होगी। जी, तो गुरुजी ने आपको बताया है कि आपका जो इलाज है वो बिना ऑपरेशन के संभव है, लेकिन पहले आपको गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराना होगा। जो दवाएं गुरुजी देंगे, जो आई ड्रॉप्स आपको देंगे, वो नियम परहेज के साथ आप उनका सेवन करें, इस्तेमाल करें। इसके माध्यम से आप जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल करें। कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, आपका नाम है? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। राम राम गुरुजी। राम राम बेटा। गुरुजी, बिना पहले को ज्यादा पसीने आते हैं, ठंड हो या गर्मी हो? जी देखो बेटा, पसीने आने का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण होते हैं, परंतु TV के माध्यम से यदि मैं वो कारण आपको बताने लगूँ तो मुझे कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए, इतना समय नहीं होता। और आपने इस पसीने से यदि मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT scan, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। दर्शकों, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि वो यहाँ पर जब आएँ तो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही आएँ। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति
ज्योति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप गुरुजी की किताबें मंगाना चाहते हैं तो आप गुरुजी की किताबें बेहद ही आसानी से मंगवा सकते हैं उन चार नंबर पर कॉल करके जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन पे आप कॉल करें और घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें। फिलहाल अब इसके साथ साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।